शीतल विरल एक कानन शोभित अधितयका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्त्रवण चमकते सरते कहीं शुभ निर्जर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पहान, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मुस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुगद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बार हो विश्रब्द विचरते हैं, शुक रहे चिवर रसाल की नन्नी झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुच चिकने पत्थर, अजिन दर्ब पाला सा कमंडलू एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुणीर तीर बरजे भीषण, चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशु माली, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका ये उसके ही है क्या ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये स्त्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है, पशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते हैं श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार, तब से मनुज दिव्य बनता है षड विकारों से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि असी की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा, मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का, हाँ हाँ वही कर्ण की जांगों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं, तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से चंचन कर मिट्टी धूप माग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी झटा पर हाथ फेरता पिट कभी सहलाता है, चढ़े नहीं छीटिया बदन पर पड़े नहीं तृण पात कही, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची निंद नहीं, वृद्ध देह तब से कृष काया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी, कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा, अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सुख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी, पत्थर से हो मांस पेशिया लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय, विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वे चतुर्थ के आने पर, ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात सिलोच वृत्ति के ही है क्या वे अनुरागी हो, क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेशम में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में,
खड़ग बड़ा उद्धृत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी भीन मनक डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है, सुनता कौन या ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोनित मैं भू को भूपो की लिप्सा रण की, और रण भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पत भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो, रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।